साइंस, टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन की दुनिया में आपका स्वागत है। आज फिर से हाजिर हैं आपके लिए खाना बनाने की कुछ अद्भुत मशीनों की जानकारी लेकर, जो आपका काफ़ी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। टोमेटो स्लाइसर। बड़े बड़े होटल्स, शादी समारोह या फिर किसी अन्य पार्टी में जहाँ पर काफ़ी मात्रा में सलाद का बंदोबस्त करना हो, वहाँ चाकू की मदद से सलाद काटना काफ़ी समय ले सकता है। ऐसी जगहों पर बड़ी मात्रा में सलाद काटने के लिए इस टूल को डिज़ाइन किया गया है। सलाद काटने के काम को बड़ी तेज़ गति से करने में यह मशीन एकदम सक्षम है। इस मशीन में इच्छानुसार सलाद की मोटाई को निर्धारित किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे यह आदमी टमाटर को मशीन के अंदर रखकर पुश करने का काम कर रहा है, और आगे लगे तेज धारदार ब्लेड टमाटर को स्लाइस के रूप में काटने का काम कर रहे हैं। इसके बाद टमाटर बेहतरीन सलाद के रूप में एक ट्रे में इकट्ठा हो रहे हैं। यह मशीन चलाने में भी बहुत आसान है और इसे केवल एक व्यक्ति ऑपरेट कर सकता है। ABB फ्लेक्स पिकर्स। पिज्जा खाना पूरी दुनिया के लोग पसंद करते हैं। फास्ट फूड के तौर पर बाजार में यह एक खास स्थान रखता है। बड़ी आपूर्ति करने के लिए इन्हें बनाने के लिए चाहिए होती है एक बड़ी मशीन। AB रोबोटिक नाम की कंपनी ने यह एक ऐसी ही मशीन बनाई है। फुली ऑटोमेटिक यह मशीन में रॉ मटेरियल डालने पर यह पिज्जा का मिश्रण तैयार कर देती है। मिश्रण की रोटियां कन्वेयर पर रखने के बाद इस मशीन के रोबोटिक हैंड इन पर लाल रंग की सॉस रखकर फैलाने का काम करते हैं। इससे आगे की यूनिट में इन पर डोपिंग लगाने के बाद ओवन में सेकने के लिए भेज दिया जाता है, जहां से पैक कर मार्केट में इन्हें सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। सीका। सीका नाम की यह कंपनी टमाटर की ग्रेवी बनाने के लिए कच्चा माल तैयार करती है। खेतों से ताज़ा टमाटर को इस फैक्ट्री में लाने के बाद सबसे पहले टमाटरों को उनकी गुणवत्ता के आधार पर छांटा जाता है, जिसमें इस मशीन में लगे सेंसर हरे टमाटर को पहचानकर उन्हें अलग करने का काम करते हैं। इसके बाद ये एक कन्वेयर बेल्ट से होते हुए भाप वाली यूनिट में पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें गलाया जाता है। हल्का गलाने के बाद इन्हें क्रशिंग यूनिट में भेज दिया जाता है, जहां पर पीसने के बाद इन्हें डब्बों में पैक कर दिया जाता है। ये रॉ मटेरियल होटल इत्यादि में रेसिपी की ग्रेवी बनाने में काम में लिया जाता है। इशिदा। आलू द्वारा बने चिप्स को सेकने के बाद पैक करने की यह एक बड़ी मशीन है। चिप्स को सेकने के बाद उन्हें फ्लेवर देने के लिए इस मशीन में उन्हें कई प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। लंबी लंबी कन्वेयर बेल्ट से गुजरते हुए मशीन की हर एक यूनिट अपना काम परफेक्ट तरीके से करती है।
मशीन की अंतिम यूनिट के सांचे में इकट्ठा होने के बाद ये पैक कर बेचने के लिए भेज दिए जाते हैं। पोटैटो पीलर। होटल, रेस्टोरेंट और बेकरी इत्यादि में आलू का छिलका उतारना एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि एक एक करके आलू का छिलका उतारना जहां पर आलू की खपत ज़्यादा हो थका देने वाला हो सकता है, लेकिन यह मशीन इस काम को बहुत आसानी के साथ कुछ ही समय में कर देती है। आलू का छिलका उतारने के लिए सबसे पहले आलूओं को इस मशीन के कंटेनर में भर दिया जाता है। मशीन का ढक्कन बंद करने और ऑन करने के बाद मशीन के कंटेनर में भाप बनने लगती है। इस भाप के कारण आलू का छिलका नरम पड़ने लगता है और लगातार घूमते रहने के कारण घर्षण के द्वारा छिलका उतरने लगता है। अट्ठारह से 20 किलो आलू का छिलका यह मशीन केवल 4 मिनट में निकाल देती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह मशीन कितनी उपयोगी है। टेक्सचर। चीज़ खाने में स्वादिष्ट तो होता ही है, इसके अलावा इसे खाने के कई प्रकार के व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। यह बाज़ार में कई प्रकार की पैकिंग में उपलब्ध होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्लाइस के आकार में मिलता है। यह मशीन चीज़ को स्लाइस में काटने का काम बहुत तेज़ी के साथ करती है। यही काम अगर चाकू के द्वारा किया जाए तो यह बहुत समय लगने वाला काम हो सकता है और यह एक समान आकार में भी नहीं कट सकता, लेकिन यह मशीन बहुत तेज़ी से चीज़ के स्लाइस काटने के साथ साथ उनका आकार भी एक समान रखती है। जिसके बाद इन्हें पैक करके बाज़ार में सप्लाई कर दिया जाता है। वोरन। जूस पीना हर एक इंसान को पसंद होता है। पैकिंग फूड बनाने वाली कई कंपनियां खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का खास ख्याल रखती हैं। वोरन कंपनी द्वारा बनाई गई यह मशीन फलों का जूस निकालकर उन्हें पैक करने का काम करती है, वो भी पूरे हाइजेनिक तरीके से। यहाँ पर यह मशीन सेब का जूस निकालकर पैकिंग कर रही है। सेब को इस मशीन के कंटेनर में डालने के बाद मशीन की पहली यूनिट इन्हें अच्छी तरह से धोने का काम करती है। इसके बाद ये एक कन्वेयर से होते हुए क्रशिंग यूनिट में पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें ग्राइंड करके छिलका और जूस अलग अलग हो जाते हैं। जूस को फिल्टर करने के बाद इन्हें पैक कर दिया जाता है। हाइड्रोलिक जूस प्रेस। यह भी फलों का जूस निकालने की स्मार्ट मशीन है। इस मशीन के मुंह में लगे पाइप के जरिए इसमें बड़े से बड़े फल को भी डाल सकते हैं। यह मशीन फलों को क्रश न करके बल्कि फलों को प्रेस करके जूस निकालने के कॉन्सेप्ट पर काम करती है। मशीन के पाइप में फलों को डालने के बाद यह उन्हें छोटे टुकड़ों में काटकर एक कपड़े के थैले में इकट्ठा कर देती हैं। थैले के दोनों ओर लगी प्लेट्स थैले पर ज़बरदस्त दबाव डालती हैं, जिससे फलों का जूस निकल जाता है। कपड़े के थैले की वजह से इसे बाद में फिल्टर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक,
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।